तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आज हम लोग बात करेंगे कैंपस स्टॉक को लेकर के। और इस स्टॉक के अंदर देखा जाए तो काफ़ी शानदार वाला गिरावट होते जा रहा है, ठीक है। इस स्टॉक के अंदर स्विंग ट्रेडर के लिए बल्ले बल्ले, क्योंकि देखो स्विंग ट्रेडिंग किया जा सकता है इस स्टॉक के अंदर, क्योंकि बिल्कुल हाई और हायर रेंज में स्टॉक ना वीकली टाइम फ्रेम का इस्तेमाल करते हुए ओपन किया गया है, ठीक है। हाई और हायर रेंज में स्टॉक लगातार ट्रेडिंग करते हुए जा रहे, मतलब स्विंग ट्रेड वाले आराम से स्विंग ट्रेडिंग करके चल सकते। जैसे देखो, देख सकते एक बार यहाँ से रेजिस्टेंस फेस की ग्रीन वाली लाइन को, फिर स्टॉक नीचे आकर के सपोर्ट लिया, फिर उठा, ऊपर उठा, फिर नीचे गिरा, फिर यहाँ सपोर्ट लिया, फिर स्टॉक नीचे गिरा, फिर ऊपर, फिर नीचे की तरफ आ रहा, बीच में है अभी, ठीक है। अभी गिरने वाला है, मतलब सपोर्ट लेने वाला, किस लेवल पे स्टॉक सपोर्ट ले सकता है, तो सपोर्ट ले सकता है ये स्टॉक। इधर देखो इस प्राइस में, 270 की प्राइस में स्टॉक सपोर्ट ले सकता है आने वाले टाइम में, जब तक स्टॉक का डायरेक्शन चेंज ना हो जाए, मतलब ट्रेडिंग वाला डायरेक्शन चेंज ना हो जाए। जिस ट्रेंड के अंदर स्टॉक काम कर रहा है, ठीक है, वो डायरेक्शन चेंज ना हो जाए, तब तक हम क्या करके चल सकते हैं। 268, 270, ये है 270, ठीक है। बट स्टॉक 270 और ये है 266, 270 और 266 के लेवल पे स्टॉक कहीं भी सपोर्ट ले सकता है, ठीक है। अगर इधर स्टॉक सपोर्ट लेता, डेफिनेटली इधर कहीं सपोर्ट लेता, तो फिर आप क्या करके चल सकते हो, स्विंग ट्रेडिंग कर सकते। जैसे अगर हमने इधर कहीं एंट्री लिया 270 के 66 के प्राइस में, तो हमारा टारगेट टारगेट क्या मिल सकता है, टारगेट हमें ये मिल सकता है स्टॉक का 292 रुपये का, यानी 9% का हमें रिटर्न आराम से बना करके दे जाएगा ये स्टॉक। और जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हो ना, तो इस तरह से 9-9% का जो प्रॉफिट आ रहा है, अपनी कैपिटल निकाल दो, प्रॉफिट लॉन्ग 9% वाला जो आ रहा है उसे छोड़ दीजिए लॉन्ग टर्म के लिए। कुछ इस प्रकार से भी कामकाज करके चला जा सकता है, या फिर आप 9% का प्रॉफिट लेकर के भी बाहर निकल सकते हो। तो इस प्रकार से हम काम कर सकते हैं इस स्टॉक के साथ, किनके साथ, कैंपस एक्टिवेयर के साथ। और अगर आप मंथली वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से देखोगे, तो सेम चीज़ इस स्टॉक के अंदर, मतलब वही वाला पैटर्न बना हुआ है। जब तक कि ये स्टॉक ना एक रेंज ना क्रिएट कर दे, मतलब ये जो ये वाला जो डायरेक्शन में आ रहा है स्टॉक, जब तक इस डायरेक्शन को, इस ट्रेड लाइन को चेंज ना कर दे, ऐसे करके ऐसे ना ट्रेड करने लगे, तब तक समझ लो कि ये स्टॉक ना अभी भी नीचे जाएगा। जब इस स्टॉक उस वाले डायरेक्शन को जब तक चेंज नहीं करेगा, तब तक इसी तरह गिरते गिरते स्टॉक नीचे गिरता रहेगा, हायर लोअर का पैटर्न बना करके स्टॉक नीचे की तरफ आता रहेगा। तो कुछ इस प्रकार से हम लोग कामकाज कर सकते हैं इस स्टॉक के साथ। और मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ से बनाया जा रहा है, ना कि बाई और सेल करने के लिए। अगर आप बाई और सेल करते, तो आप अपने रिस्क पर बाई और सेल करके चल सकते हैं, या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर। बाय।